आपको छोड़कर कैसे आए? लाडला बेटा, प्यारा बेटा। बात आज वेटरन एक्ट्रेस बिंदु की करते हैं, जिन्हें आज भी एक से बढ़कर एक नेगेटिव रोल्स के लिए जाना जाता है। फिल्म जंजीर में बिंदु ने मोना का किरदार निभाया था, जो डॉन बने एक्टर अजीत की खासम खास रहती है। फिल्म में अजीत उन्हें अक्सर मोना डार्लिंग कह के बुलाते थे, और इसका नतीजा ये हुआ कि इस सुपरहिट फिल्म के बाद लोगों के बीच बिंदु मोना डार्लिंग के नाम से ज्यादा फेमस हो गई। 70 और 80 में हिंदी फिल्मों का वो दौर आया जब नायिकाओं के साथ खलनायिकाओं का भी अहम रोल होने लगा। इसी दौर में एंट्री हुई अभिनेत्री बिंदु की। उन्होंने कुछ ही वक्त में अपनी अलग पहचान बना ली, लेकिन आप इनकी फिल्मों से तो बखूबी वाकिफ होंगे, पर क्या आप इनके पति के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं? तो हमारी इस वीडियो में हम आपको इस दमदार एक्ट्रेस के पति से रूबरू करवाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 70 और 80 के दशक में खलनायिका का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री बिंदु का जन्म 17 अप्रैल 1941 को गुजरात में हुआ था। बिंदु के अभिनय को लोग इतना पसंद करते थे कि उस समय में उनके रोल की हीरोइन से ज्यादा पूछ थी। प्रोड्यूसर नाना भाई और थिएटर एक्ट्रेस ज्योत्सना की बेटी बिंदु नाना भाई ने छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन जब वो 13 साल की थी तो उनके पिता का निधन हो गया था। बिंदु बचपन से ही ग्लैमर की दुनिया से मोहित थी, उन्हें कलाकार बनना था। हालांकि पिता के निधन के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उन पे थी, ऐसे में उन्होंने बेहद कम उम्र में शादी कर ली और मॉडलिंग शुरू कर दी। शादी के बाद बिंदु के करियर को एक नई पहचान मिली। उन्हें शादी के एक साल बाद राजेश खन्ना के साथ 1969 में दो रास्ते साइन करने को मिली। इसके बाद उन्हें इत्तफाक, आया सावन झूमके, डोली जैसी फिल्मों में काम मिला। 1997 में बिंदु को राजेश खन्ना के साथ कट्टी पतंग फिल्म मिली। इसमें उन्होंने शबनम का किरदार निभाया था। वहीं उनका एक डायलॉग, मेरा नाम है शबनम और प्यार से मुझे लोग शब्बो कहकर बुलाते हैं, काफी फेमस हो गया था। लोग उन्हें शब्बो कहकर भी बुलाने लगे थे। बिंदु ने फिल्मों में मेन लीड का किरदार ना निभाकर नेगेटिव किरदारों को चुना और अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही। आपको बता दें, बिंदु ने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी काम किया था। 1988 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म बीवी हो तो ऐसी में उन्होंने अपने से 3 साल बड़े फारूक शेख की माँ और महज 4 साल छोटी रेखा की सास का किरदार निभाया। वो हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें पहचान नेगेटिव किरदारों ने दिलाई। अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो जैसा हमने आपको बताया, बिंदु बहुत छोटी उम्र में अपने पड़ोसी चंपक जावेरी को दिल दे बैठी थी। जब बिंदु की चंपक से पहली बार मुलाकात हुई तब वो मुंबई में शिफ्ट हो चुके थे। उन दिनों वो मुंबई में तारादेव में रहती थी और वहाँ पर वो स्कूल भी जाया करती, जिससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिंदु और चंपक की लव स्टोरी किस जमाने में शुरू हुई थी। बचपन का प्यार जवानी में दोनों के बीच और ज्यादा मजबूत हो गया, इसी वजह से दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बिंदु और चंपक को अपने अपने परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों अपने प्यार के लिए अड़े रहे और फिर दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। जब बिंदु ने चंपक से शादी की तब वो महज 16 साल की थी, और आज चंपक और बिंदु अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं। हालांकि इन्हें इस शादी से कोई बच्चा नहीं है। तो आपको एक्ट्रेस बिंदु के पति के बारे में जानकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।